हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो हमारी गणपति पुल्ले रिज़ोर्ट पे ख़त्म हो गई थी, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं नक्षत्रा बीच रिज़ोर्ट बाय ऑनेस्ट। एक बार रिवाइंड करा देता हूं गाइस, ये पूरा ट्रिप था हमारा मुंबई टू गोवा। अब हम गोवा से वापस आ रहे हैं, तो भोगवे से अब मैं पहुँचा हूँ गणपति पुल्ले। ये है रिसेप्शन एरिया इस रिज़ोर्ट का। यहाँ पे कल रात को आ गए थे हम। तो गाइस, आपको दिखाता हूँ मैं पूरा रिज़ोर्ट। ये लेफ़्ट साइड में है सोलिटर सुपर डिलक्स रूम्स इनके। यहाँ पे प्लेइंग एरिया है, बैडमिंटन का कोर्ट बना रखा है इन्होंने, गार्डन बना रखा है। अब ये इस साइड नीचे उतर के यहाँ पे आ जाता है स्विमिंग पूल का एरिया। यहाँ से सामने बीच दिखाई देता है, पूल से डायरेक्ट व्यू है, और यहाँ के रूम से भी डायरेक्ट व्यू है बीच का, तो काफ़ी ज़बरदस्त बना रखा है। ये द्रोणा और अंशु खड़े हैं बालकनी में, ये द्रोणा खेलता हुआ। ये रूम है गाइस, ये पूरी मस्ती ले रहा था रूम में। ये बालकनी का व्यू है, यहाँ से देखो सामने ये पूल और सामने बीच दिखाई देता है। ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से, मैजेस्टिक व्यू। ये फिर सुबह योगा टाइम हो गया, मैं थोड़ा योगा करने लग गया अपनी, क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूँ। फिर हम चल पड़े अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ। इतना बेहतरीन व्यू है रेस्टोरेंट से भी, मतलब एकदम गजब। स्टाफ गाइस बहुत ही पोलाइट है, और लेडीज़ का स्टाफ काफ़ी है यहाँ पे, तो फैमिली के लिए तो बहुत ही बेहतरीन जगह है यहाँ पे, बहुत ही फ्रेंडली माहौल है। ये गाइस देखो व्यू क्या ज़बरदस्त है यहाँ से। रिसेप्शन पे भी और रेस्टोरेंट में भी इनका लेडीज स्टाफ है। ब्रेकफास्ट काफ़ी ठीक था, एग, पोहा, ऑमलेट, सैंडविच सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं ये, बुफे इंक्लूड ही हो जाता है। और यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 3,000 रुपये के अराउंड आपको कॉस्ट आती है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। ये द्रोणा यहाँ पे मज़े ले रहा था, इसकी एक्सप्लोरिंग शुरू हो जाती है जहाँ पे भी नई जगह ये पहुँचता है। फिर ब्रेकफास्ट और थोड़ा रेस्ट करके हम बाहर अपना घूमने के लिए निकल गए। ये है गाइस यहाँ का गणपति पुल्ले बीच। इतनी ज़बरदस्त ड्राइव थी यहाँ पे, बिल्कुल लाजवाब। सी के साथ साथ में रोड है, इतना ज़बरदस्त ट्रीज़ लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त हवा चलती है। इस पॉइंट से व्यू आता है गाइस सामने नक्षत्रा ऑनेस्ट रिज़ोर्ट का, जहाँ पे अभी हम थे। ये रिज़ोर्ट, ये सामने व्यू है पूरा गणपति पुल्ले बीच का। कोई ज़्यादा लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, जो रिज़ोर्ट में ठहरने आते हैं सिर्फ वही आपको बीच पे मिलेंगे, वही घूमते फिरते मिलेंगे, तो काफ़ी प्राइवेट प्लेस है। मुंबई से गणपति पुल्ले का लग जाता है 8.5 घंटे, लेकिन मैं तो भोगवे से आया हूँ यहाँ पे, और कल दापोली जाऊँगा यहाँ से। मैजेस्टिक सनसेट था गाइस, जो ड्रीम्स में होता है वैसा सनसेट था, बिल्कुल गजब। फिर थोड़ी देर स्टे करके हम अपना आ गए वापस रिज़ोर्ट में। फिर द्रोणा खेलने लग गया यहाँ पे, डिनर टाइम हो गया था हमारा, फिर रेस्टोरेंट में अपना मज़ा ले रहा था। द्रोणा को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चलते हुए, तो अभी ये थोड़ा बैलेंस बनाता रहता है अपना, प्रैक्टिस करता रहता है चलने की और एक्सप्लोर करता रहता है। रेस्टोरेंट के नीचे वाले फ्लोर पे इन्होंने बना रखा है अपना एक्टिविटी एरिया, जहाँ पे कैरम बोर्ड, चेस, पूल टेबल लगा रखा है। यहीं पे साथ में इनका बार भी है, यहाँ से भी सनसेट व्यू बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, योगा टाइम अगेन स्टार्ट, थोड़ा मेडिटेशन की मैंने। उसके बाद हमने अपने बैग्स पैक किए और दापोली जाने के लिए हो गए हम रेडी। इसके बाद गाइस मैं दिखाऊंगा आपको कैसे जेटी लेकर हम पहुंचे दापोली।
दो जेटी लेनी पड़ती हैं रास्ते में। अब हम जा रहे हैं रिसेप्शन की ओर अपना चेकआउट करने के लिए। ये है रिसेप्शन एरिया इनका। चेकआउट ऑलमोस्ट डन। बहुत अच्छा स्टे था गाइस। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी गणपतिपुल्ले आप जाओ तो यहाँ पे ज़रूर स्टे करना। बहुत ही लाजवाब व्यू है रूम से। स्टाफ काफ़ी अच्छा है, पोलाइट है, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। ये अब हम निकल पड़े दापोली की तरफ। रास्ता देखो गाइस कितना ज़बरदस्त है। सामने समुंदर है, इसके साथ साथ रोड जा रही है। गजब का ही रास्ता है। दापोली पहुंचने के लिए लगेंगे 98 किलोमीटर और करीबन 3.5 घंटे दो जेटी लेकर, अगर वो टाइम से मिल गई तो। एक के बाद एक गाइस इतनी ज़बरदस्त जगह आती है। आई एम लविंग माई इनक्रेडिबल इंडिया। गोवा और महाराष्ट्र इतना सुंदर है गाइस, मज़ा ही आ गया। थोड़ा आगे चल के ही आया छोटा सा एक गांव, कितना सुंदर गांव है। अब ये थोड़ा आगे चल के एक और जगह आ गई उंडी। देखो गाइस कितना अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, लाजवाब ब्यूटी है। यहाँ थोड़ी देर रुक के हमने द्रोणा को खाना खिलाया और यहाँ के नज़ारे का मज़ा लिया। उंडी से थोड़ा आगे चल के आ जाता है फिर विनायक मंदिर। ये भी काफ़ी पॉपुलर मंदिर है, जय विनायक। इस जगह का नाम है कचरे। यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो एक रास्ता जाता है लेफ्ट में, वो चोगले बीच पे चला जाता है, वो भी सही बीच है। ये आ गया गाइस JSW फ्रेंडशिप पार्क। इस जगह पे JSW के काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अब हम गाइस पहुंचने वाले हैं जयगढ़ फेरी पॉइंट पे। ये आ रही है जेटी, इसमें हम अपनी गाड़ी चढ़ाएंगे और लेके जाएंगे। ये टोटल पड़ जाता है 175 रुपये जयगढ़ से तवसाल, करीबन आधा घंटा लगता है। ये अब गाइस गाड़ी को जेटी में चढ़ाते हुए, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है गाइस। गाड़ी को ही ले जाओ जेटी में और दूसरे पॉइंट पे निकाल लो। जयगढ़ तवसाल जेटी रूट बना रखा है गाइस जयगढ़ रिवर पे। ये गाइस कुछ पॉइंट हैं जहाँ ये फेरी बोट सेवा चलती हैं। ये अब हम जयगढ़ से निकल लिए हैं तवसाल के लिए। ये भी मस्त राइड थी, बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस था। गाड़ी को फेरी में चढ़ाओ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उतार लो। ये देखो गाइस जयगढ़ रिवर का व्यू कितना सुंदर है। फिर द्रोणा यहाँ पे सो गया था तो ये दोनों अपना गाड़ी में ही रेस्ट कर रहे थे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना गाइस, अपना कैश ज़रूर कैरी करके आना साथ में। ज़्यादातर जगह कैश ही चलेगा यहाँ पे। और हर एक घंटे में जेटी की सर्विस है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन ये दिन में ही चलती हैं। नाउ वी रीच्ड तवसाल पॉइंट। ये देखो गाइस जेटी की लैंडिंग, ये लगा दिया बिल्कुल पॉइंट पे। नाउ एवरीबडी इज़ इन हरी टू जंप आउट फ्रॉम जेटी। फिर हमने भी अपनी गाड़ी उतारी जेटी से और निकल पड़े। अब ये थोड़ा आगे चल के आ गए हैं गाइस नारियल के पेड़। यहाँ पे भी सीनिक व्यू था बिल्कुल, दोनों तरफ नारियल के पेड़ों की खेती हो रखी थी। इतना ज़बरदस्त व्यू था, ये भी पूरा बहुत ही ग्रीन था। फिर आगे चल के हमने यहाँ पे थोड़ा स्टॉपेज लिया और द्रोणा को थोड़ा पानी पिलाया। जो दूसरी जेटी है वो है धोपे टू डाबोल, बना रखी है वशिष्ठी रिवर पे। उसकी भी सर्विस एक एक घंटे में है। यहाँ से थोड़ा आगे चले तो आ गया फिर गुहागर। ये देखो गाइस यहाँ पे अलग ही ट्रीज आ गए। अब बिल्कुल बिल्कुल अलग लग रहा था कि किसी और दुनिया में एंट्री कर गए। ये अब हम जा रहे हैं गुहागर बीच की ओर। इतना लाजवाब रास्ता है ये।
ये अब लेफ्ट टर्न लेंगे और ये है सामने गुहागर बीच। देखो गाइस, एक के बाद एक क्या लाजवाब जगह आती हैं। यहाँ पे चेयर्स भी लगा रखी थी बैठने के लिए, आराम से रेस्ट करो आप, और कोई दिखाई नहीं देगा यहाँ पे भी, बिल्कुल खाली बीचेस हैं यहाँ पे। थोड़ी देर यहाँ स्टे करके फिर हम अपने अगली डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े, जो कि है दापोली। ये अब हम पहुँचे हैं द फर्न समाली रिजोर्ट में, दापोली में। यहाँ का सब कुछ गाइस आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फुल वीडियो होगी दापोली पर। वन मोर अमेजिंग डेस्टिनेशन इज हेयर गाइस, द फर्न समाली, वन ऑफ द बेस्ट रिजोर्ट है दापोली में। आपका गाइस बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।